पिंजौर में पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन चंडीगढ़ और पिंजौर कालका के पूर्वांचल जन एकता मंच के पदाधिकारियों की संयुक्त मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें चंडीगढ़, पिंजौर और कालका के पूर्वांचल से जुड़े पदाधिकारियों ने रौनक होटल में भाग लिया। मीटिंग में कई अहम फैसलों पर चर्चा की गई, ताकि अधिक से अधिक पूर्वांचल वासियों के हितों के कार्यों को करवाने और पूर्वांचल का विस्तार करने, चंडीगढ़ पूर्वांचल के साथ मिलकर काम करने पर विचार विमर्श करते हुए फैसलों पर मोहर लगाई गई। हम सब जानते हैं सूरज पूरब से ही उगता है, पूरे देश में प्रकाश जो है पूरब से ही आता है। पूर्वांचल एक ऐसी संस्था है और पूर्वांचल के लोग ऐसे हैं जो हर संस्था में वो उच्च पद पे बैठे हुए हैं, और यहाँ भी हम लोग जो है काफी इस हरियाणा के लिए, चंडीगढ़ के लिए पूर्वांचल का जो लोग हैं वो काफ़ी काम कर रहे हैं, पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, ब्लड जो यहाँ रहते हुए इस समाज को देने का हम लोग कुछ न कुछ कोशिश करते हैं, और इसी विषय पे आज चर्चा रखी है कि हम और कैसे इसको विस्तार करें और हरियाणा की भूमि को, चंडीगढ़ की भूमि को हम कैसे पूर्वांचल से किस तरह से हम उसको अपने को समर्पित करें और इसके विकास में हम लोग सहयोग दें। पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन चंडीगढ़ और पूर्वांचल जन एकता मंच मिलकर चंडीगढ़ और पिंजौर में छठ पूजा करने और इस पर्व को मिलकर मनाने पर भी चर्चा की गई। 13 नवंबर को पहला अर्ग होगा, 14 नवंबर को दूसरा अर्ग होगा, 125,000 आदमी चंडीगढ़ में एक जगह इकट्ठा होगा। इसके अलावा चंडीगढ़ और पिंजौर की पूर्वांचल वासियों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिस पर सभी पदाधिकारियों ने फैसलों पर भी आने वाले समय में काम करने पर विचार हुआ। और इस संस्था का एक मेन एम है कि हरियाणा में, पंजाब में जो भी संस्थाएं हैं सबको एक मिला करके हम लोग जो पूर्वांचल सभा बन रही है, चाहे पूर्वांचल एकता बन रही है, सबको हम एक प्लेटफॉर्म पर ला करके और चंडीगढ़ जो है सेंटर रख करके सभी संस्थाओं से कम दो दो तीन तीन आदमी लेकर के एक विराट रूप बनाना चाहते हैं,